हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की बुक है जिसका लेसन 3 है, द वाइस मैन सेकंड, इसके हिंदी अनुवाद करेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने बना दिया है, आप खुद प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। तो बच्चों, हम थर्ड पार्ट यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक हमने कर लिया था। कहाँ तक हमने किया था? यहाँ तक भोला बोला था, बट देन आई सोल्ड इट फॉर ए हेन। बट यानी लेकिन, लेकिन आई सोल्ड यानी बेचकर इट फॉर ए हेन, यानी कि मैंने उसे बेचकर एक मुर्गी खरीदी। ठीक है, इसके आगे करेंगे हम। शांति बोल रही है, हाउ वाइज यू आर। हाउ वाइज यू आर यानी होता है बच्चों, आप कितने बुद्धिमान हो। ठीक है, वाइज याने बुद्धिमान, ठीक है, हाउ याने मतलब ये एक आप याद कर लेना, ये परमानेंट सेंटेंस है, आप कितने बुद्धिमान हो, हाउ वाइज यू आर। ठीक है, अब ये बोल रही है, ए हैन यानी एक मुर्गी इज चीपर टू फीड देन अ शिप, यानी कि एक मुर्गी बहुत चीप यानी होता है बहुत कम। ठीक है, बहुत कम टू फीड यानी खाएगी, यानी कि एक मुर्गी बहुत कम खाएगी देन अ शिप यानी शिव की, शिप यानी भेड़, शिप भेड़ की अपेक्षा जो मुर्गी है वह बहुत कम खाएगी, मुर्गी है जो बहुत कम खाएगी। तो बोला बोला, बट डियर यानी लेकिन प्रिय, आई एक्सचेंज यानी, एक्सचेंज यानी बदलना। ठीक है, आई एक्सचेंज द हैन फॉर अ बास्केट ऑफ मैंगो, लेकिन मैंने बदल ली। ठीक है, बदले में द हैन फॉर यानी मैंने मुर्गी के बदले फॉर अ बास्केट ऑफ मैंगो, बास्केट यानी टोकरी, ऑफ यानी आमों की टोकरी खरीदी। ये बोल रही है मतलब मैंने मुर्गी के बदले में एक आमों की टोकरी खरीद ली। तो शांति बोल रही है, डेट्स द बेस्ट बार्गेन। ठीक है, तो ये बोल रही है, डेट्स द बेस्ट बार्गेन, बार्गेन यानी होता है बच्चों सौदा, बहुत अच्छा सौदा यू हैव एवर मेड इन योर लाइफ, यानी उसने बोला ये आपके जीवन का, ठीक है, आपके जीवन का सबसे अच्छा सौदा है। आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर, लॉन्गिंग यानी होता है बच्चों लालसा। ठीक है, लालसा कर रही हूँ फॉर मैंगो चटनी, यानी कि मैं बहुत टाइम्स, मैं बहुत लालसा कर रही हूँ मैंगो चटनी की, मतलब बहुत लालसा कर रही हूँ मैंगो चटनी की, लालसा यानी याद आ रही है उसे खाने की। फॉर मोर देन अ फोर नाइट, फोर नाइट यानी पखवाड़ा, पखवाड़ा यानी होता है बच्चों 7 सप्ताह की अवधि, सॉरी 2 सप्ताह की अवधि। ठीक है, मिस्टेक से निकल गया है, 2 सप्ताह की अवधि को हम पखवाड़ा बोल सकते हैं। पखवाड़ा यानी कि 14 दिन, यानी कि 14-15 दिन से मैं जो आम की चटनी है उसकी बहुत ही ज़्यादा लालसा कर रही थी, यानी कि उसकी याद आ रही थी आम की चटनी खाने की। बोला बोला, हेयर इज द बास्केट फुल ऑफ मैंगोज, हेयर यानी यहाँ, इज यानी है, द बास्केट यानी टोकरी, फुल यानी भरी हुई, ऑफ मैंगोज यानी कि जो ये टोकरी भरी हुई है मैंगो से, यहाँ आम से भरी हुई टोकरी रखी हुई है। नाउ, नाउ यानी अब, टेक दिस, टेक यानी लेना, दिस ले जाओ, नाउ टेक दिस यानी अब इसे ले जाओ, एंड, एंड यानी और, मेक 2 टाइप्स ऑफ चटनी, मेक यानी बनाना, 2 टाइप्स, 2 यानी 2, टाइप्स यानी प्रकार, ऑफ चटनी यानी कि और 2 प्रकार की चटनी बनाओ। ठीक है, अब यहाँ से यह ले जाओ टोकरी और 2 प्रकार की चटनी बनाओ। फर्स्ट, फर्स्ट यानी पहली, स्वीट्स फॉर अस, स्वीट्स यानी मीट, स्वीट यानी मीठी, फॉर अस, अस यानी हमें, यानी कि पहली मीठी चटनी हमारे लिए, एंड सोर चटनी फॉर माय क्लेवर फ्रेंड्स, और सोर यानी खट्टी चटनी, फॉर, फॉर यानी के लिए, माय क्लेवर फ्रेंड्स यानी चतुर मित्रों के लिए। ठीक है, फिर क्या होता है, शांति वेंट इन टू द हाउस विथ द मैंगो, यानी कि शांति जो है वह घर के अंदर गई। अब बच्चों यहाँ पे इन टू इसलिए लगा है कि जब भी कोई चीज़ बाहर से अंदर जाती है, एक तो कोई चीज़ अंदर रखी हो तो हम इनका यूज करेंगे, लेकिन ये बाहर से अंदर जा रही है घर में, तो इसलिए हमने इन टू लगाया इधर। ठीक है, द हाउस
यानी कि शांति घर के अंदर गई विथ द मैंगोज, और मतलब जो शांति थी विथ यानी साथ में, मैंगो यानी आमों की टोकरी के साथ में शांति जो है वो अंदर चली गई। द टू थग हर्ड हर्ड हिज कन्वर्सेशन विथ ग्रेट सरप्राइज, यानी कि जो ठग थे वो उनकी कन्वर्सेशन यानी बातचीत सुन रहे थे, ठीक है, विथ ग्रेट सरप्राइज, और उनको एक आश्चर्य भी हुआ कि ये क्या हो गया, ठीक है। द फर्स्ट ठग बोला बोला यू हैव वॉन द बेट, यू हैव वॉन यानी जीत गए, वॉन विन का वॉन सेकंड यानी थर्ड, थर्ड फॉर्म है वॉन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी है क्योंकि हैव के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। द बेट यानी सत यानी कि बोला तुम सत जीत गए। हेयर इज द अमाउंट, ये तुम्हारे अमाउंट या पैसे जो भी उन्होंने सत में लगाए थे वो ये रहे, ठीक है। बोला बोला थैंक यू सर सर सो काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी कृपा होगी, ठीक है। द सेकेंड ठग बोला, सेकेंड यानी दूसरा ठग, वन मोर थिंग यानी कि एक बात और, ठीक है, एक बात, सॉरी क्या लिखा है, वन थिंग मोर, ठीक है, वन थिंग मोर यानी कि एक बात और सर, वुड यू प्लीज टेल मी यानी कि क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे, हाउ यू विल स्पेंड दिस मनी, कि आप जो ये मनी है, ये पैसे जो हमने आपको दिए हैं, आपने शर्त में ये पैसे जीते हैं, इसका आप किधर खर्च करोगे, ठीक है। तो बोला बोला आई शैल बाय, खरीदूंगा अनदर हॉर्स यानी दूसरा घोड़ा, उसने बोला कि मैं दूसरा घोड़ा खरीदूंगा, क्यों, क्योंकि उससे घोड़े से ही 1,000 रुपये जीते, ठीक है बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं फ्रेंड्स इसके क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।